दोस्तों, जब एक बार आपने सेट लगाना शुरू कर दिया तो हर रैप के दो फेज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी वेट जब रिलीज होता है नेगेटिव रैप हो गया, वेट को जब आप लिफ्ट करते तो पॉजिटिव रैप हो गया। अब भले ही वेट आपके ऊपर राइड करता है लेकिन डोमिनेट आपने करना है, ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए। मेरा नेगेटिव रैप किस स्पीड से जाएगा, मेरा पॉजिटिव रैप किस स्पीड से जाएगा, जैसे वीडियो में दिखाया मैंने, नेगेटिव और पॉजिटिव रैप में थोड़ा सा मोशन में फ़र्क रहता है, पेस में फ़र्क रहेगा। नेगेटिव रैप भी आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ये नहीं कि वेट को गिरने देना है, गिरने नहीं देना। आप अपने कंट्रोल में वेट को लेके जाएंगे तो आपकी दोनों साइड फोर्स लगेगा, आपका दोनों साइड आपका ताकत लगेगी। जब वेट नीचे जाएगा तब भी आपने रोकना है उसको, रजिस्ट करना है यानी स्लो जाएंगे, और जब वेट ऊपर आपने लिफ्ट करना है तब तो फोर्सफुली करना ही करना है। तो नेगेटिव थोड़ा सा स्लो रहेगा क्योंकि उस पर आपने कंट्रोल करना है। किंग आप हैं, वेट किंग नहीं है, राजा आप हैं, किंग आप हैं, आपके कंट्रोल में सब होगा। और जब वेट उठाएंगे तो आपने उसको कोशिश करना है कि थोड़ा स्पीड से पुश करें। जब भी आप सेम वेट पे ज़्यादा स्पीड से पुश करेंगे उसको, आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, आप देखना करके। और जब ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा मसल आपका रिक्रूट होगा, ज़्यादा मसल फाइबर रिक्रूट होंगे, यानी आपका मसल पे लोड ज़्यादा आएगा फिर। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड आपके कंट्रोल में काम होना चाहिए। ये बहुत बड़ा सीक्रेट भी है बिगिनर्स के लिए, प्रोफेशनल एथलीट जानते हैं उनको क्या करना है। बिगिनर्स के लिए खास तौर से टिप, आप जब करेंगे ना इसको, जब आप एक ही ट्रेनिंग में आपको पता लग जाए कितनी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।